मुंडी मुंडी। सीता माता का चूल्हा है जहाँ वो भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के लिए खाना पकाया करती थी। हेलो फ्रेंड्स, झारखंड की हसीन वादियों और राम रेखा धाम की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रामरेखा धाम पहुंच चुके हैं और ये जो गेट देख रहे हैं ये रामरेखा धाम की मुख्य द्वार है और ये जो रास्ता है ये पहाड़ों से होते हुए मंदिर तक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने हुए रहिए, आपको अंदर का दर्शन कराते हैं और नज़ारा दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर जाने के लिए पैदल जाना नहीं होता है, आप कार या बाइक से भी ऊपर जा सकते हैं और सीधे मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छी बनी हुई है पहाड़ों में, जिससे कि मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और रामरेखा धाम आने के लिए गुमला से दो रास्ते हैं, जिसमें कि एक रास्ता सिमडेगा होते हुए जो काफ़ी लंबी है। हम लोग गुमला से मांझा टोली कोंडरा होते हुए आए, जो कि हम लोग 55 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। रामरेखा धाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमर पड़ती है और यहाँ के गंगा कुंड में नहा के अपने आप को शुद्ध करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर और अपना सौभाग्य समझते हैं। कुछ इस तरह से है दोस्तों यहाँ का अद्भुत दृश्य। रामरेखा का मुख्य मंदिर कुछ इस तरह से है। ये गेट है और सामने जो चट्टान देख रहे हैं आप, उसी चट्टान के नीचे गुफा है। अभी आपको वो दिखाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी, आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। इसी तरह की हसीन वादियों में और पहाड़ियों की तलहटियों में बसा हुआ है रामरेखा धाम। ये वो चट्टान है, पत्थर है, जिसके नीचे गुफा है और वही मेन गुफा है जहाँ भगवान श्री राम माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये तो सभी को जानते हैं कि भगवान राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास किए थे, लेकिन उस वनवास के दौरान 14 दिन तक इसी रामरेखा धाम के जंगल में गुजारे थे और उससे संबंधित काफ़ी सारे पहचान और चिन्ह मिलते हैं यहाँ पर, जो कि अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे और बताएंगे भी सबके बारे में। रामरेखा धाम का मुख्य मंदिर कुछ इस तरह से है दोस्तों। आप देख सकते हैं चट्टान को काट के फिर गुफा बनाया गया है और यही गुफा में भगवान श्री राम और माता सीता के साथ रहते थे। और बगल में ही लक्ष्मण जी का गुफा है जो कि इस तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि गुफा के अंदर में एक रेखा खींची हुई है, वो तीर से श्री राम भगवान ने बनाए हैं, लेकिन अंदर वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि कुछ बहुत आपको दिखे। ये लक्ष्मण गुफा कुछ इस तरह से दिखाता हूँ आपको। अभी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये गुफा है और ये श्री संत निवास। यहाँ पे एक रामरेखा धाम में बाबा रहा करते थे, जो कि यहीं पर वो निवास करते थे और यहीं पर रहते थे। और उस समय की काफ़ी पहचान यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे माता सीता का चूल्हा
उनका पूजा करने का चौकी और भ्राता लक्ष्मण जो तीर से पानी निकाले थे वो भी आपको हम लोग दिखाएंगे। ये गुप्त गंगा है, यहाँ घुस के और हाथ डाल के पानी निकाला जा सकता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर पानी दिख जाए तो घुस जाएगा अंदर। फ्रेंड्स अभी आप लोगों को अग्निकुंड दिखाएंगे, ये भी काफी रहस्यमयी है। इसके लिए अभी गुफा जाना होगा, हम लोग गुफा जा रहे हैं। और ये अग्निकुंड में आग जलता नहीं है, ये अग्निकुंड में हमेशा गर्म का एहसास होता ही रहता है। आग जलता नहीं है फिर भी काफ़ी गर्म रहता है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये अग्निकुंड जो कि काफ़ी गर्म रहता है। देखिए इस तरह का गुफा है दोस्तों, और ये रहा अग्निकुंड। यहाँ पर का ज़मीन भी काफ़ी गर्म है और अंदर हाथ डालने से तो काफ़ी गर्मी का एहसास होता है ना। गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये संतोषी मंदिर श्री सीता चौक, ये मंदिर है और माँ सीता यहाँ चौक बनाई हुई है जो कि साफ साफ दिखाई देता है। आप लोग भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और इसे श्री सीता चौक कहा जाता है। इस राम रेखा धाम में भी श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं दोस्तों, और ये झारखंड की प्रमुख पर्यटक स्थल में से है। अभी आप लोग को गंगा कुंड दिखाएंगे जिससे कि लक्ष्मण जी ने तीर मार के पानी निकाला था, जहाँ सीता माता स्नान किया करती थी। और वो कुंड इस तरह से है दोस्तों कि पहाड़ों की इतनी चोटी में होने के बावजूद भी आज तक वहाँ कभी पानी सूखता भी नहीं है, यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी पानी नहीं सूखता है। आइए आपको दिखाते हैं, ये गंगा कुंड है दोस्तों जो कि लक्ष्मण जी द्वारा बनाया हुआ है। और मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तीर मार के पानी निकाला था जिसमें कि सीता माता स्नान किया करती थी। और पहाड़ियों के इतनी चोटी में होने के बावजूद भी यहाँ के पानी कभी सूखता नहीं है, यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी यहाँ पानी नहीं सूखता है। और इसकी कितनी गहराई है आज तक कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया है और ना ही नाप पाया है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करके शुद्ध होते हैं और फिर भगवान श्री राम की आराधना और पूजा करते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी नहाने की उचित व्यवस्था है, उनके लिए बाथरूम बनाई गई है और पुरुष यहाँ पर नहा सकते हैं। ये श्री राम की चरण पादुका कुछ इस तरह से है, श्री राम भगवान की चरण पादुका, सीता माता की चरण पादुका जो कुछ इस तरह से है। अभी शायद वीडियो में पता ना चले लेकिन ये सीता माता की चरण पादुका है और उसके निशान बनी हुई है, ये भी इस बात की प्रमाण है कि वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ पर समय गुजारा था। अभी आपको सीता माता की चूल्हा दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ सीता माता खाना बनाया करती थी। सीता माता का चूल्हा है जहाँ वो भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के लिए खाना पकाया करती थी जो कि कुछ इस तरह से है। और ये नज़ारा आपको सिमडेगा या गुमला जिधर से भी आएंगे रास्ता में भी आपको अच्छे अच्छे दृश्य मिलेंगे देखने के लिए। पहाड़ों की गोद में राम रेखा धाम और चट्टानों की तलहटी में प्रभु श्री राम कुछ इस तरह से विराजमान है। यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है दोस्तों।